मंडियों में सब्जियों के थोक रेट स्थिर बने हुए हैं, जबकि रिटेल में ग्राहकों को 2 से 3 गुना महंगी सब्जियां मिल रही है। आपको बता दें कि रिटेल में सब्जियों के रेट फिक्स नहीं है। शहर में अलग अलग क्षेत्रों में सब्जियों के फुटकर बिक्री पर प्रति किलो 4 से 5 प्रति किलो का अंतर है, तो वहीं शहर में क्षेत्रवार सब्जियों के रिटेल रेट 4 से 5 रुपये प्रति किलो का अंतर देखा जा रहा है। न्यू आगरा के मुकाबले नागलापदी के कई मंडियों में 4 से 5 रुपये किलो सब्जियां सस्ती मिल रही हैं, तो वहीं दयालबाग, बल्केश्वर, लकड़ी की चौकी, बसई, कमला नगर, बेलनगंज आदि में सब्जियों के फुटकर मूल्यों में अंतर देखा गया। तो वहीं बारिश से सब्जियों की क्वालिटी खराब हो गई है, गोभी की चमक गायब हो गई है, तो वहीं तुरई और खीरे की क्वालिटी में भी अंतर आया है। मंडियों में हरा धनिया भी नीचे से गला हुआ आ रहा है, हरी मिर्च और बैंगन की क्वालिटी भी खराब हुई है। किसानों ने बताया कि बारिश के कारण कई इलाकों में खेतों में जल भरा हो गया, खेतों में बेल में लगी सब्जियां खराब होने लगी हैं। अगले कुछ दिनों में कई सब्जियों की आवक मंडी में कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।